नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार गंगवार। दोस्तों आप देख रहे हैं गंगवार टॉनिक तलाया। तो दोस्तों ये हमारे सामने फैन देख रहा होगा आपको, इसकी सॉफिट जो है कटी हुई है, तो यहाँ पे बैरिंग बिल्कुल फ्री हो जा रहा है। तो दोस्तों इसको हम कैसे सही करेंगे, तो दोस्तों आइए इसको हम सही कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसकी सॉफिट देखिए, इतना कितना सा इसमें गड्ढा सा हो गया है, बहुत सारी कट गई है इनके जो है, हमारा बिल्कुल फ्री हो गया बैरिंग। वो बैरिंग जो है बिल्कुल जो है घूमता, सॉकेट हमारी घूमती रहती, बैरिंग को जो है पकड़ नहीं पा रही है। तो दोस्तों इसको कैसे सही करना है, तो दोस्तों आइए इसको भी सही कर लेते हैं। तो दोस्तों सही करने के लिए, तो दोस्तों एक धागा हमें ले लेना है और इसमें इस तरह से फंदे लगा के इसमें लगा देना है, इसमें लपेट लेना है सॉफ्ट में, जितनी सॉफ्ट हमारी कटी हुई है उसे अच्छी तरह से धागे को इसमें लपेट देना है। तो मैं इसमें लपेट लेता हूँ। तो दोस्तों जिस तरह से जो है फंदे लगाने हैं वो आप देख लीजिएगा किस तरह से मैं फंदे को लगा रहा हूँ इसमें। तो अच्छी तरह से फंदे हम लगा दे रहे हैं, जितने में हमारा जो है गड्ढा सा यानी कि खांचा सा बन गया है उसमें ही हमें लगा देना है। तो वो हम अच्छी तरह से इसमें धागे को लपेट लेते हैं और अच्छी तरह से पास पास इसे कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, और दोस्तों धागा जो है जितना भी खांचा हो उसमें डबल या सिंगल जैसा आप समझें उचित उसी तरह से उसमें लपेट देना। और दोस्तों ऊपर से जो हमारा लास्ट का जो है सिरा बचा हुआ है तो उसको हम सिरे को बांध भी देंगे। तो दोस्तों देखिए पूरा हमारा लपेट चुका है धागा जितना हमारा खांचा था। तो अब इसको हम काट लेते हैं। अब दोस्तों जो देखिए ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब दोस्तों इस बैरिंग को हम इसमें लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बैरिंग हमारा यहाँ पे सेट हो रहा है या नहीं, तो सेट कर लेता हूँ। देखिए बैरिंग हमारा इसमें सेट हो गया है और बैरिंग, तो देखिए दोस्तों बैरिंग हमारा अच्छी तरह से टाइट हो गया है और बैरिंग जो है अब घूमने लगा है। ये देखिए, और दोस्तों ये तो हमारा रेडी हो गया है। और दोस्तों इसका नीचे वाला सॉकेट ये भी इसमें कटा हुआ है, तो दोस्तों आइए इसको भी सही कर लेते हैं। तो जिस तरह से हमने ऊपर को जो है धागे को लपेटा था उसी तरह से नीचे की तरफ भी हम धागा को लपेट लेंगे। तो आइए इसको भी लपेट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो धागा मैंने पहले लपेटा था फंदे लगा के, उसी तरह से इसको भी हम लपेट देंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें भी हमारा धागा लपेट चुका है पूरा, वो जो है फंदे लगा दिए हैं। अब दोस्तों क्या करना है, इसको भी अच्छी तरह से टाइट करके बांध देना है। तो धागा ये देखिए मैंने बांध दिया है और इसको काट देते हैं। तो ये देखिए काट भी दिया है। अब दोस्तों क्या करना है, हमें इसको फैन की बॉडी में इसे लगा देना है। तो दोस्तों हमारा धागा इसमें लपेट चुका है। अब दोस्तों आइए इसको बॉडी में फिट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं बॉडी में इसके पेच लगा देना हूँ और जो है फिर इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमारा फैन जो है अटक रहा है या नहीं, और इसकी प्ले यानी कि जो है जो हमारा बैरिंग इधर उधर काम नहीं कर रहा था तो वो काम करने लगा है। तो दोस्तों ये देखिए मैं इसको पूरा फिट कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों हमारा फैन जो है रेडी हो चुका है। अब दोस्तों आइए इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन करेंगे फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे कि हमारा ये फैन काम करने लगा है और जाम तो नहीं हो रहा है। तो आइए दोस्तों इसके कनेक्शन कर लेते हैं।
टेस्टिंग करने के लिए इसकी हम वायर लगा ले रहा हूँ। तो ये देखिए, हमने यह जो है रनिंग वायर स्टार्टिंग वायर दोनों पे कैपेसिटर को लगा दिया है। अब दोस्तों इस पर जो है हम जो है क्लिप लगा देंगे, और क्लिप लगाने के बाद इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमारा फ़ैन काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा कॉमन वायर, इस पर हम जो है मेन लीड को लगा लेते हैं, और मेन लीड लगाने के बाद तो दोस्तों ये हमारा रेड वाला कॉमन वायर है। तो दोस्तों आइए इस पर हम मेन लीड के कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों मेन लीड हमने इसमें लगा लिया है, और दोस्तों दूसरा वायर हमारा जो बचा है उसे हम कैपेसिटर पे लगा लेंगे। देखिए दोस्तों हमने दूसरा वायर इसका कैपेसिटर पे लगा दिया है। अब दोस्तों जो है इसको हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए इसे हम लाइट में लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा जो है फ़ैन चलने लगा है और बिल्कुल जाम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप फ़ैन को रिपेयर कर सकते हैं, जो कि फ़ैन हमारा चलता है अटक अटक के जाम हो जाता है।